पानी की मांग को लेकर किरणपुर के लोगों ने शाहकुंड अमरपुर SH 85 पर मार्ग को बांस बल्ला एवं टायर लगाकर जाम कर दिया और प्रदर्शन किया, जहां आने जाने वालों को यात्री को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रदर्शन में बिहार सरकार, प्रशासन, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया गया। वहां के ग्रामीणों का कहना है कि हम लोगों के पानी की समस्या बनी हुई है, जानमाल को भी पानी पीने को नहीं मिलता है। सात निश्चय योजना से जो जल नल योजना है वह PSD के द्वारा किया गया है, हर घर में पाइप लगा दिया है परंतु किसी भी घर में पानी नहीं गया है। सात निश्चय योजना बिल्कुल गलत साबित हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक स्थायी निदान नहीं निकल जाता तब तक लोग सड़क पर ही रहेंगे, जाम नहीं हटाएंगे। सूचना मिलने पर प्रखंड विकास पदाधिकारी अभिनव भारती, अंचलाधिकारी नीलेश कुमार चौरसिया, थाना अध्यक्ष पंकज कुमार झा, जिला परिषद अध्यक्ष अनंत कुमार उर्फ टुनटुन साह, अंबा पंचायत के मुखिया राकेश रोशन जाम स्थल पर पहुंचे। जिला परिषद अध्यक्ष आनंद कुमार उर्फ टुनटुन साह ने ग्रामीणों से बात की, सात दिनों में पानी की समस्या स्थायी रूप से निदान करने का आश्वासन दिया। महादली टोला में एक बार मात्र पानी आया, बाद बाकी पानी नहीं आया। एक बार पानी आया, बाद बाकी पानी अभी भी नहीं किया, कभी भी नहीं। यादव टोला में भी आधा घर में टोटी में पानी नहीं गया है, हम लोग का घर में पानी की समस्याओं को लेकर जो है आप लोगों का ये जाम किया। आप लोग का जो पहली प्राथमिकता है पानी है ना, क्योंकि इसको पानी का ही क्या मामला क्या था। आज किरणपुर गांव महादेव टोला और महीनों से यहाँ परेशान लोग थे, PhD वाले लोग, यहाँ चपाकल हुआ था, बोरिंग हुआ था, अब PhD से बोरिंग निकलता नहीं है। अब क्या मामला है ये तो जांच का विषय है। BDO साहब ने स्कूटी साहब को बार बार फोन किए, उसके बाद भी नहीं सुना कभी। तभी हमारी डायरेक्ट स्टेशन से बात हुई है और उसको भी हम जिला में रखेंगे और उनको बोले हैं कि आप अभिलंब कल, उन्होंने बोला कल आकर हम जाँच करेंगे, कल आकर पानी मुहैया कर। सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि पानी देना है और उसे पदाधिकारी अगर सरकार को बदनाम करने को उसको नाकाम कर दिया जाएगा। और JEE को भी मैंने अभी स्पष्ट लहजे में कहा है कि आप पानी तुरंत यहाँ उपलब्ध कराओ, अन्यथा हम चक्का जाम करेंगे यहाँ पर, बता देते हैं। इस पर जनता जनार्दन है और महादलित टोला है, पानी सबसे सही चीज़ है और सरकार ने भी पानी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। और बार बार ये बेचारे BDO साहब, CEO साहब, थानादार लोग बराबर जाम का शिकार होना पड़ते हैं। जनता क्या करे, जनता को सुनता है, इनको झेलना पड़ता है। हम आए, हमको भी लोग झेला, गंदाबाद मुर्दाबाद लोग करेगा ही, वाली बात है, क्यों नहीं करेगा। जनता वोट दिया है, जनता मालिक है, जनता को अधिकार है, जनता के अगर हम काम नहीं आएंगे तो हमको करेगा ही। सही बात है। आश्वासन ये मिला गया, हम PhD को बोले हैं उनके स्वीप इंजीनियर से कि कल आकर कब जांच कीजिए, हो सकता है कल नहीं आवे परसों आवे, इसी पर आरम्भ होगा। एक सप्ताह का हम लोग से टाइम लिया है, नहीं तो हम DM साहब के यहाँ जाकर के वहीं खुद हम अनशन करेंगे DM साहब के सामने और उसको PhD चालू यहाँ करवा कर रहे हैं। आप बेफिक्र रहिए, जनता के लिए, जनता हम मालिक है, जनता ने हमको चुना है, इसके लिए हमको अगर मरना पड़े तो हम बैठे अनशन कर देंगे, पानी नहीं आएगा हम खुद अनशन करेंगे। जिला परिषद जिंदाबाद। हम जिला परिषद सदस्य यहाँ से दोबारा चुन के गए, पहले भी अध्यक्ष थे, दोबारा अध्यक्ष हैं और जिला परिषद अध्यक्ष होने के नाते DRDA का भी अध्यक्ष होते हैं। 29 विभाग हमारे अंडर में आता है और PhD विभाग भी हमारे ही अंडर में आता है, इसलिए कोई चिंता करने की बात नहीं है। क्योंकि ग्रामीणों का भी थोड़ा है कि आप देखते हैं लोग मुखिया लोग को बोलते हैं, मुखिया जी लोग भी हमको कहते नहीं है, हमको कहेंगे तब ना भाई जिला में लोग बनाया क्यों, हम तो भगवान नहीं जान जाएंगे। लेकिन लोग जो होता क्या है कि यहाँ से ज्यादा दूसरे प्रखंड के लोग फायदा लेते हैं, यहाँ के लोग बोलबे नहीं करते हैं, घर का कुटी दाल बरोबर वही वाला हाल होता है, जिसका गुस्सा का शिकार हमको होना पड़ता है। जनता जो भी है, जनता के लिए हम तैयार रहते हैं, जनता के लिए समर्पित है और जनता भोली भाली जनता है, इसका काम करें, पानी चाहिए ही चाहिए।